भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर तथा दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके प्रशिक्षण का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी परंपरा है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की परंपरा बहुत वर्षों से चल रही है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न विषयों और भाजपा की कार्य पद्धति क्या है, क्या परंपरा है और हमारा आगे का क्या कार्य योजना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए अनगिनत कार्य किया है। प्रशिक्षण में पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा ने क्या क्या काम किया है, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य पद्धति के साथ और पूरे गंभीरता के साथ निकाय चुनाव को लड़ने जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सरवण पटेल, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष दयानंद शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, देवेश श्रीवास्तव, विशाल जायसवाल, विकास राज, गजेंद्र सिंह, देव शर्मा, सचिदानंद शर्मा, शैलेन्द्र पटवा, राहुल गुप्ता, वरुण शर्मा सहित पदाधिकारी प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा, माता की बंधुओं, हम सबके बीच गुप्ता जी आ चुके हैं। मैं महानगर के महामंत्री सचान भैया आपसे भी आग्रह है कि मंच पर आए, कार्यक्रम को अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पे पुष्पांजलि करें और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी परंपरा है अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की, और ये परंपरा बहुत वर्षों से चल रही है। उस परंपरा के अंतर्गत ही आज यहाँ पर पिछड़ा वर्ग मोर्चे का प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित है। गोरखपुर महानगर के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। भिन्न भिन्न विषयों पर कार्य पद्धति भाजपा की क्या है, कैसी रीति नीति परंपरा है, हमारे किस प्रकार के आयाम हैं और हमारा आगे का कार्य योजना किस प्रकार से है, पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या काम करती रही है, पिछड़ा वर्ग को बढ़ाने में कैसे भाजपा का योगदान रहा है, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर इस प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा और वार्ता सब कार्यकर्ताओं के बीच में होने वाली है। नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले चुनाव लड़ती रही है, जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भी उतनी शिद्दत से लड़ते हैं, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भी पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, और चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो और चाहे आने वाला नगर निगम का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति परंपरा के अनुसार पूरी पद्धति के साथ और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव को लड़ने जा रही है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने जा रही है।